बीजेपी पूरे देश में सीएए के समर्थन में जागरूकता रैलियां कर रही है और आज अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी बीजेपी ने ऐसी ही रैली की अगुवाई कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने की और रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। रैली बीजेपी के दफ्तर से शुरू होकर शहर के मैदान में पहुंची। रैली में बीजेपी नेता अमित तिवारी, राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी समेत कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। रैली के दौरान सुरेश राणा ने कहा कि विपक्ष सीएए के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राणा ने कहा कि पाकिस्तान में जुल्म का शिकार हो रहे हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता देगा और उन्हें बेहतर जिंदगी मुहैया कराएगा। आज पूरे प्रदेश में बीजेपी ने इस तरह की रैलियां और सभाएं की। रामगढ़ की धरती पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि आज देश का हर व्यक्ति सीए के समर्थन में है और तमाम वर्ग के लोग आज सीए के समर्थन में है। नागरिकता देने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी अल्पसंख्यक है, उन तमाम अल्पसंख्यकों जो धार्मिक आधार पर लोगों से उत्पीड़ित है, उन तमाम लोगों को भारत की नागरिकता देने का सीए कानून है। ये मेरा सीए मार्च जो है जनता को बहुत ही अच्छा संदेश दे रहा है और हमारा शांति मार्च है। ये जो विपक्षी फैलाए हुए हैं, जो गलत फहमियाँ सबको, उन लोग हम लोगों का ये जोश देख के उन लोग बौखलाहट है उन लोगों की, और हमें उम्मीद है ये हमारा शांति मार्च बहुत सफल रहेगा, इससे हम लोग बहुत ही अच्छी सीख लेंगे। देखिए, सीएए जो ये कानून बना है ये एक मानवतावादी कानून है, ये किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने की का कानून है। लेकिन विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। आज उसी के समर्थन में, सीएए के समर्थन में आज आप देख रहे हैं, आज विपरीत मौसम में भी जिस तरीके से राष्ट्र को चाहने वाले राष्ट्र प्रेमी निकले हैं, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।